तो नमस्कार भारत, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे कि कभी अगर आपका एयर टैग गलती से भी खराब हो जाए या टूट जाए तो आपको क्या करना है। तो बेसिकली अगर आपका जो है सो अगर कभी टूट गया एयर टैग या खराब हो गया तो समझिए आपका वाट लग गया, क्योंकि डिस्प्ले बदलवाना है अगर आपको या टच बदलवाना है, अगर इस दोनों में से कोई फूटता है तो सिंपल से बात है वो गारंटी में वारंटी में कवर नहीं होगा, क्योंकि मतलब वारंटी में सिर्फ इंटरनल प्रॉब्लम जो होते हैं उसी को कवर किया जाता है। तो बेसिकली अगर आपका कभी टच फूट गया, आपका कभी डिस्प्ले फूट गया तो समझिए कि आपका 5,000 का चूना लग गया, क्योंकि 5,000 उनको रिपेयर करवाने में लगेगा। दूसरा जो मतलब ये तो हो गया टच और डिस्प्ले का, उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपका कभी इंटरनल खराब हो गया तो वो वारंटी में कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। 1 साल का जितना साल का आप कोर्स लीजिएगा उसी के अंदर वारंटी भी आता है एलन टैब का, एलन टैब 11 हो या 10 हो, सॉरी 7, ना हाँ 7 हो या एलन टैब 11 हो, यार भूल जाता है कभी कभी, टैब 11 या 7 हो, तो उस दोनों में से कोई भी हो बात बराबर ही है। 5,000 रुपये लगेंगे आपको डिस्प्ले का चार्ज मैक्सिमम, और अभी तक का तो चार्ज है 5,000, लेकिन आगे अगर हो सकता है एल टेप वालों का दिमाग खिसके तो बढ़ा दे। तो उसके बाद बात करते हैं कि आपका इंटरनल प्रॉब्लम हो गया और तो क्या होगा। तो इंटरनल प्रॉब्लम बेसिक है कि मतलब आपका वारंटी में कवर हो जाएगा, अगर वारंटी में है तो, और अगर नहीं है तो समझिए फिर से 5,000 का चूना लगा। तो अब बात है, मान लीजिए आपका एल टेप खराब हो गया, ठीक है, या डिस्प्ले ही फूट गया, कुछ भी हो गया प्रॉब्लम, तो आपको क्या करना है, या आपको बैटरी बदलवाना तो क्या करना चाहिए। तो अगर आप एलन टैब को के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम के मतलब सॉल्व करवाने के लिए अगर आप कॉल करेंगे एलन को, तो सिंपल सा एक ही बात बताएंगे कि एलन टैब जो भी आपका टैब है उसको कहाँ भेजिए, तो सीधे कोटा भेजिए। अगर आप अपने घर पे रह रहे हैं किसी और स्टेट में, अगर आप कोटा में नहीं है तो आपको कोटा कुरियर करना पड़ेगा आपको एलन टैब, और कुरियर के थ्रू वो जाएगा मतलब सीपी संकल्प जो मेन बिल्डिंग है एलन का वहाँ जाता है, और वहाँ से रिपेयर होके वापस आपको कुरियर किया जाएगा, और कुरियर आप कीजिएगा उसका पैसा अलग, और साथ में वो जो वापस करेंगे कुरियर उसका पैसा आपके अर्थी में ही जोड़ लेंगे, चार्जेज में ही वो जोड़ लेते हैं। तो इसीलिए बोले कि अगर आपका एलन टैब का भी खराब हो जाए तो वाट लग गई आपके, जितना का एलन टैब ने उससे आधे दाम का तो जो है सो आपका रिपेयर हो जाता है सिर्फ डिस्प्ले और टच फूटने का। एलन टैब 11 है ना, 12,000 के आसपास, तो 12,000 के आसपास एलन टैब 11 है, 7 तो उससे भी सस्ता है, तो 12,000 का सामान है और 5,000 का डिस्प्ले बदलवा रहा है, तो भाई बताइए क्या हो गया। तो इससे तो घटिया कुछ बात हो नहीं सकता है कि मतलब इतना महंगा वो लोग रिपेयर करवा रहा है। तो यही था क्विक वीडियो की, मतलब अगर आपका एलन टैब कभी खराब हो जाए तो आपको क्या करना है, कि मतलब आपको बेसिकली यही करना है कि अपना फ़ोन उठाना है, एलन टैब को कॉन्टैक्ट करना है, सॉरी एलन जो मतलब इंस्टीट्यूट सी पी संकल्प का जो नंबर है उस पर मतलब कॉल करना है, वो आपके एलन टैब के वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको नंबर। और अधिक जानकारी के लिए मेरा दूसरा वीडियोस भी देखें मेरे चैनल, बहुत सारा एलन टैब के रिगार्डिंग वीडियो है। तो बेसिकली ये होगा कि मतलब आपको जो है वापस संकल्प में भेजना पड़ेगा आपको एलन टैब, अगर आप कोटा में रह रहे तो बहुत अच्छी बात है, आपका पैसा बच जाएगा अपना मतलब कुरियर का, और उसके बाद वहाँ जाके आपको रिपेयर करेगा, उसके बाद उसका पैसा लगा वो आपके मतलब वो आपके हाथ में होगा फिर से। मेरा रिकमेंडेशन है कि एलन टैब रिपेयर करवाएं ही ना, अगर आपका डिस्प्ले या टच फूट गया है गलती से, तो सिंपल सा है 400-500 का मैक्सिमम 500 में एक माउस खरीद ले। दूसरा चीज करें कि एक ओटीजी खरीद ले, ओटीजी से माउस को कनेक्ट करके एलन टैब फर्स्ट क्लास चलता है, आप चला सकते हैं। तो बेसिकली ओटीजी से कनेक्ट करके माउस को आप एलन टैब को चलाएं, और जो है सो इस वक्त का जो है रिपेयर करवाने का झंझट ना रखें, 5,000 रुपया खर्चा करने से अच्छा है 500 रुपया आप खर्चा कर देंगे। तो यही था। और दूसरा बात है कि आप एलन टैब खरीदे ही ना, आप क्यों नहीं खरीदना चाहिए आपको एलन टैब, आप खरीद लिए तो गलती की है, लेकिन अगर आपको क्यों नहीं खरीदना चाहिए इसके लिए अगर आपको रीजन जानना है तो आप मेरे दूसरे वीडियोज को आप देखिए, मैंने पूरा एलेबरेट करके बताया है कि मतलब एलन टैब के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इधर उधर का बातें। तो उम्मीद करता है आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पीस।